हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी, इस नुस्खे के जरिए आप अपने अंडरआर्म्स के कालेपन, गर्दन के कालेपन, कोहनी के कालेपन, घुटने के कालेपन, या फिर अगर आपके हाथ और पैर या फिर आपकी बाजुएं काली हो गई हैं तो इस नुस्खे का ज़रूर यूज़ कीजिए। आज के इस नुस्खे में मैं यूज़ कर रही हूँ दो चीज़ों का। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलोवेरा जेल लिया है, यानी कि एलोवेरा जेल की लीफ ली है, और दूसरा लिया है एक लेमन। आपको गाइस इन दो चीज़ों का यूज़ करके आप अपने अंडरआर्म्स के कालेपन को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों का किस तरह से यूज़ करना है गाइस, आज आपको इन्हें डायरेक्ट ही लगाना है बिना इनका किसी तरह का कोई पेस्ट बनाए। तो गाइस कैसे लगाना है कि ये एक ही बार में आपके अंडरआर्म्स को हमेशा के लिए क्लीन कर देंगी, तो इसके लिए आपको देखना होगा मेरे इस वीडियो को एंड तक और ध्यान से, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए और आपके अंडरआर्म्स को ज़्यादा फायदा ना हो पाए। तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ कि आपको करना आखिर क्या है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी एलोवेरा जेल की लीफ लेनी है, और दूसरा आपको इसके दोनों साइडों से कांटे निकाल लेने होंगे। मैंने इसके कांटे पहले ही निकाल लिए हैं। अब आपको फ्रेंड्स इसको बीचों बीच इस तरह से कट कर देना होगा। आपको इसके दो हिस्से कर लेने हैं, और इसके बाद आपको इसके एक हिस्से को अपने अंडरआर्म्स वाले एरिया पर रब करना होगा, यानी कि रगड़ना होगा इस तरह से। अगर आप इस तरह से भी रगड़ते, देखिए कैसे इसका जेल निकलना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको बहुत ही हल्के हाथों से अपने अंडरआर्म्स वाले या फिर जिस भी एरिया को आप कोरा करना चाहते हैं वहां पर आपको इसे अच्छे से रगड़ना होगा। इसके जेल को अच्छे से निकालने के लिए आप इसमें चाकू से इस तरह से कर लीजिए, और इससे भी फ्रेंड्स काफी अच्छी मात्रा में जेल निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे अच्छे से जेल निकल रहा है। आपको मात्र 5 मिनट तक इसकी मसाज अपने अंडरआर्म्स वाले एरिया पर करनी है, और उसके बाद 2 मिनट तक आप लगाकर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। देखिए हल्की सी मसाज करने पर कैसे हमारी स्किन में चमक आ गई है। अगर आप इसका यूज अपने अंडरआर्म्स वाले एरिया पर करेंगे तो यकीन मानिए वहां के कालेपन को ये हमेशा के लिए गायब जरूर कर देगा। मसाज के बाद आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ही लगा हुआ है। आपको भी इस तरह से लगाकर इसे ऐसे ही छोड़ देना होगा। अब आपको करना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के लिए आपको लेना है लेमन। लेमन के आप 2 हिस्से कर लीजिए, और आपको इसके 1 हिस्से का ही यूज करना है। इस तरह से आपको लेमन के 2 हिस्से कर लेने होंगे। 2 हिस्से करने के बाद आपको इसे ऐसे हल्के से दबाना है ताकि इसका जो जूस है वो अच्छे से बाहर आना शुरू हो जाए। देखिए कैसे इसका जूस बाहर आ चुका है। अब आपको इसे अपने अंडरआर्म्स वाले एरिया पर लगाना है, यानी कि आपको एलोवेरा जेल की पहले मसाज करनी है, उसको बिना वॉश किए आपको लेमन को उसके ऊपर अप्लाई करना है। ऐसे करने से ये हमारे अंडरआर्म्स के फूले हुए कालेपन को तेजी से रिमूव करेगा, उसे हटाएगा, क्योंकि लेमन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कालेपन को तेजी से काटता है। और आपने जो एलोवेरा जेल की मसाज अपने अंडरआर्म्स या फिर काले एरिया पर की है उससे हमारे ओपन पोर्स खुल जाते हैं, नमी के कारण ओपन पोर्स खुल जाते हैं। अगर आप लेमन से मसाज करेंगे तो वहां पर भरी गंदगी, कालापन, टैनिंग हमेशा के लिए तेजी से रिपेयर होगी। अगर आपके चेहरे पर या फिर आपके बाजुओं पर टैनिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके ट्राई करते ही आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको वीक में एक बार इसका जरूर यूज़ करना चाहिए, यानी कि जब भी आपकी छुट्टी हो या आप फ्री हो तो आप मात्र 10 मिनट के लिए इस नुस्खे को अपने काले एरिया पर अप्लाई कीजिए, और देखिए कैसी वहाँ पर जमी टैनिंग, कालापन
गंदगी आपकी दूर हो जाएगी और आपका स्किन टोन एकदम इक्वल हो जाएगा आपके चेहरे की जैसे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है या फिर काला पार्ट है वो आपके चेहरे की जैसी चमक के, चेहरे के जैसे ही कलर उसका दिखे, तो एक बार इस नुस्खे का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बहुत ही आसान नुस्खा है, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। टीवी देखते हुए बैठे बैठे आप इसको ट्राई कीजिए और हमेशा के लिए उस पार्ट को अपना गोरा कर लीजिए। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस नुस्खे का ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा, और मुझे कमेंट के ज़रिए भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।